अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज डे 14 और माशाल्लाह से मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। तो आज मैं फिर से लेग वर्कआउट कर रहा हूँ। मैं तकरीबन पहले मैंने उसी तरह अपनी नॉर्मल पहले मैंने 30 मिनट्स तकरीबन तेज तेज वॉक की है, अपना बॉडी को वार्म अप किया है। उसके बाद मैंने अपना कुछ सेट्स किए ताकि मैं और वार्म अप हो जाऊँ। अभी मैं पहले फ्रंट स्क्वाट्स करूँगा, उसके बाद मैं थोड़े से कार्ब्स का वर्कआउट करूँगा, उसके बाद मैं जंपिंग जैक्स को मैंने एज अ कार्डियो अपनी एक्सरसाइज में ऐड किया हुआ है वो करूँगा, और उसके बाद मैं फ्रंट स्क्वाट करूँगा। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ये है कि अब देखो मैं ना बेल्ट नहीं पहन रहा। ये मेरी अपनी है, मेरी अपनी फीलिंग है। क्या होता है कि अभी मेरा पेट बहुत निकला हुआ है, ठीक है। अब अगर मुझे नहीं पता था, पहले दिन से मुझे फॉलो कर रहे थे तो पता चलेगा कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है, बट मैं अभी वेट नहीं कर रहा। मुझे मैं तो कंसर्न नहीं हूँ, मुझे इतना पता मैं सही रास्ते के ऊपर हूँ। तो क्या है कि मैं बेल्ट नहीं पहन, अगर मैं अभी बेल्ट पहनूंगा मुझे ऐसा लगता है कि इस पेट के जो मेरा सारा मास है इसकी वजह से मेरे लिए एक्सरसाइज करना मुश्किल होगा। तो इसलिए मैंने कहा मैं करूंगा ताकि मेरी बॉडी ऐसे वार्म अप रहे, मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा एंड मैं आपको दोबारा बता दूंगा या एक्सरसाइज के बीच में। तो सबसे पहले करते हैं फ्रंट स्क्वाट्स। सिक्स कर पाया मैं, अभी चार इसके और करूंगा, 10 कंप्लीट करने मुझे। तो मैं आपको बता रहा था मैं अभी यहाँ पे ना बेल्ट नहीं पहन रहा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी बेल्ट पहनूंगा पहन सकता हूँ और मुझे पता है, लेकिन इतना फायदा नहीं होगा, वो मुझे नुकसान ज्यादा देगा क्योंकि इतना मास चढ़ा हुआ है उस बेल्ट को पहन के। स्क्वाट्स वजन के साथ करें तो फॉर्म रखना वैसे भी मुश्किल होता है। अगर मैं कोई बेल्ट भी पहन लूंगा तो ऊपर का मास और नीचे का मास ऐसे इकट्ठा हो जाता है, मेरे स्क्वाट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो स्लो एंड स्टडी अप्रोच होगी जो मेरे लिए काम करती है वो है पहले लाइट वेट से अपने इस वजन को कम करें, ठीक है। जब आपकी ये चर्बी चली गई, अब आप एडवांस स्टेज पे गए हैं, अब आपको बेल्ट की जरूरत है ताकि आप वी शेप लेके आ सके। अभी आपकी वी शेप क्या आएगी, आपने बस ऊपर को दबाया होगा, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। फर्क मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा। आपको जब तक आपका पूरा मास चला नहीं जाता, लाइट वेट के साथ अपने फैट को पहले रिमूव करें, उस पर आपका वक्त लगेगा एटलीस्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स, तो आपको जहन में रखना चाहिए, ठीक है।
ओके। और अब मैं करूंगा काफ्स की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को आप सिर्फ ये मत सोचें कि आपसे फिजिकल फिटनेस तो आपको मिलेगी, फिजिकल फिटनेस मिलेगी, आपका मूड अच्छा होगा, आपका मूड अच्छा होगा, आप पॉजिटिव सोच सकेंगे और ये आपको मेंटल स्ट्रेंथ देती है। लेकिन 14 डेज कंसेक्टिवली अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अल्लाह की मदद से अगर कर पाए ना कोई, तो इसका मतलब है कि आप अपने ब्रेन पर, अपने माइंड पर काबू पाना शुरू हो गए। आपका माइंड कभी थकता है, आप कभी कहते रहने दो ये वो, आप उसको निगेट करते हैं, ठीक है, तो आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है। हर इंसान के अपने चॉइसेस हैं। मेरे हिसाब से अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आप अल्लाह मियां की दी हुई इतनी बड़ी नेमत, आपका एक तंदुरुस्त जिस्म, उसकी हिफाजत नहीं कर रहे। तो अल्लाह की किसी भी चीज का शुक्र अदा करने का एक बेहतरीन तरीका यह होता है कि आप उसका ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। थर्टीन कर दी माशाल्लाह। अब मैं करूंगा थोड़े से जंपिंग जैक्स। अगर आपने सारा दिन ऑफिस में काम किया दिल लगा के, ठीक है, फिर घर के भी छोटे मोटे काम होते हैं, उसके बाद आप अगर एक्सरसाइज करें तो खुद सोचें आपको नींद भी अच्छी आएगी, वक्त पर सोएंगे, वक्त पर जागेंगे। मैं तो यही करता हूं। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं 50 जंपिंग जैक्स कर सकूं। अब मेरा इस सर्किट ट्रेनिंग का लास्ट सेट है और वो है फ्रंट स्क्वाट्स। मैं आपको बताया, मैंने अभी तक जब भी आपसे ट्रेनिंग की बात की है, ये वीडियो बनाई है, मैंने एक दफा भी आपसे नहीं कहा कि आप ये करें तो आपका पेट कम होगा, अब ये करें तो आपकी शोल्डर्स बड़े होंगे। मैं हमेशा सेहत की बात करता हूँ। मैं आपसे आगे भी जाके, अभी मैं नहीं कह रहा जब तक मैं खुद पूरी तरह कन्विंस नहीं हो जाता ना कि मैं जो खाना खा रहा हूँ 100% रिजल्ट देगा, मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता। मैं आपको एक्सरसाइज के भी तरीके नहीं बता रहा, क्योंकि मैं पहले खुद को प्रूव करना चाहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो 100% ट्रू है। तो मेरा आपको मशवरा यही होगा, जिस तरह मैं आज एक पढ़ा था इलायची का पानी पिए रात के टाइम पे, उसके बाद ये करें तो आपको पेट की चर्बी
मोम की तरह घुल जाएगी। क्या है ये? शॉर्टकट मत ढूंढे, शॉर्टकट मत ढूंढे। इस पे अमल करना बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल भी नहीं है, कहने को मुश्किल है लेकिन मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। आप जिंदगी की जिस भी हालत में है ना, उस पे सबसे पहले तो शुक्र करें कि हालत इससे बुरी नहीं है, ठीक है, और उसके बाद सब्र से उसको ठीक करने की कोशिश करें। फिर पेशेंस चाहिए होती है, ये वैसे तो एक्सपीरियंस के साथ, मेरे साथ तो एक्सपीरियंस के साथ ये है, लेकिन आपकी जिंदगी फिर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाती है। ऐसे आपको आपको किसी भी चीज की कमी नहीं लगती। तो जो भी सिचुएशन, आप यकीनन हर हाल में बहुत से लोगों से बेहतर होंगे, ठीक है, और गोल होना चाहिए और बेहतर करना, ठीक है, तो वो आप करते रहे। इससे ज्यादा और जिंदगी में क्या चाहिए? ये मेरा लास्ट सेट है इस सर के फ्रेंड का, सर के यहां पे, और ये मैं ज्यादा नहीं कर सकता। एट हो गए तो देखें, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं पता मेरी बॉडी में कितना फर्क पड़ा, क्योंकि मैं तो रोज देख रहा हूं, लग तो रहा है मुझे कि फर्क पड़ रहा है। अगर अल्लाह बेहतर जाने, आज 14th डे है, मेरे पास 16 डेज और है उससे पहले कि मैंने अपने को वेन दोबारा करना। मैं 223 पाउंड था जब मैंने शुरू किया था, मैं 210 पाउंड से लेस होना चाहता हूँ 1 month पे। ये एक बहुत एग्रेसिव गोल है, मुझे हार्ड, क्योंकि 6.13 पाउंड लूज करना का मतलब मोर देन 6 kg वेट लूज करना, इट्स काइंड ऑफ टफ। आई डोंट थिंक सो इतना होगा, बट लेट्स सी। बट क्या है कि अगर मैं कम हो गया ना, और तो वो भी मुझे खुशी होगी कि मैं एटलीस्ट जहां पे 1 महीने पहले था, आज मैं उससे बेहतर हूं। और जब मैं फील करता हूं, जैसे वो तो मैं भी बता सकता हूं ना, जिस तरह मैं 14 दिन पहले फील कर रहा था, उससे कई गुना अल्लाह के फजल से, अल्लाह के शुक्र से बेहतर फील कर रहा हूं। सबको मेरा सलाम, दुआ में याद रखें, सबका भला, सबकी खैर, अल्लाह हाफिज़।